Hello and welcome to our channel GPB. And today I'm here to discuss some of the questions which will be of a real help to you for your JOA accounts exam that will be next week, I think, on 25th of April. So let's don't waste time and start with the video. The capital that is consumed by an economy or a firm in the production process is known as डेप्रिसिएशन, दैट इज़ ऑप्शन डी. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने दो तीन बार पेपर में देख लिया जो अभी रिसेंट पेपर्स हुए हैं, तो ये रिपीट करने का जो है बोर्ड का सिलसिला जारी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो द आंसर इज एडम स्मिथ. इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स टू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा. ऑप्शन ए इसका रहेगा आंसर. विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमम. तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है, तो ये तब होता है जब मार्जिनल कॉस्ट, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू जितनी हो जाती है. तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, एम सी इज इक्वल टू एम आर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ. तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड तभी होते हैं जब आपका गुड जो है वो इन्फीरियर सा होता है. तो इन्फीरियर गुड्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रिफिन गुड्स बोलते हैं. ऑप्शन सी इसका रहेगा आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ ग्रोथ. तो यहाँ जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शंस है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल. तो ये जो सब हैं ये सब सोर्स ऑफ ग्रोथ ही हैं. तो ऑप्शन डी यहाँ सही रहेगा. इन केस ऑफ टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द इंडिफरेंस कर्व विल बी. तो ये एक सीधी लाइन सी जाती है, इसमें जो कर्व बनता है. तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड एज. तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को हम और क्या कहते हैं, फाइनेंशियल भाषा में इसको लीगल टेंडर या फ्लैट मनी भी कहा जाता है. तो ऑप्शन डी जिसमें दोनों इंक्लूडेड हैं सही रहेगा. The investment in productive assets and participation in management as stakeholders in business enterprises, FDI, option number A सही है इसका. When depreciation is deducted from GNP, the net value is net national product. Option A इसका सही है. Gross national product में से जब आप depreciation निकालते हैं तो हमारे पास net ही बचता है, net national product. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो पहला ऑप्शन जो है वो वर्ल्ड बैंक को ही कहते हैं, IBRD वर्ल्ड बैंक को कहते हैं. बाकी दोनों भी इंस्टीट्यूट जो हैं वो वर्ल्ड बैंक ही हैं. तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो सॉफ्ट लोन विंडो जो है IDA है. ऑप्शन ई सही रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा बॉरोअर को होता है. ऑप्शन नंबर बी सही है. टैक्स ऑन नेट इनकम ऑफ कंपनी इज़, तो जो टैक्स लगता है इनकम जो कंपनी की होती है सारी इनकम पे, वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है. ऑप्शन डी सही रहेगा. द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज़. तो इन सब ऑप्शन में से आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, बजट डेफिसिट. द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट इज़ नोन एज. तो इसका आंसर करंट अकाउंट है, ऑप्शन ई. व्हेन वाज मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF सेटअप. तो ये कब सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ था 1944 में. ऑप्शन डी सही रहेगा. लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक अनोनेस. तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रेज किए गए लोन्स हैं पब्लिक द्वारा, पब्लिक से, तो उन्हें उसे कहते हैं मार्केट बोरिंग. ऑप्शन सी इसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हिंदुस्तान मशीन टूल इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड. तो ये बेंगलुरु में है. ऑप्शन डी सही रहेगा. नबार्ड इज़ द नेम ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक टू हेल्प एग्रीकल्चर. ऑप्शन सी इसका सही है. फिस्कल पॉलिसी इज़ कंसर्न विद. तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट है. बैंक रेट पॉलिसी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट. तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी सही है. द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू. ऑप्शन बी इसमें सही है. हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड बाय. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट मार्केट. तो ऑप्शन बी इसका आपका सही आंसर है. फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेक्स, इसमें कंपाउंडिंग रेट लिया जाता है. तो ऑप्शन ए सही है. फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स. तो इधर इसका मीनिंग
मीनिंग ही है। फाइनेंशियल लिवरेज मेजर क्या करता है? तो ये मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ ईपीएस विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द लेवल ऑफ ईबीआईटी, ऑप्शन सी। प्रेजेंट वैल्यू टेक्स डिस्काउंटिंग रेट्स लेता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अफेक्टेड बाय, तो ये इफेक्ट होती है डेट इक्विटी मिक्स से, तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं और कुछ हेल्प मिली आपको कि नहीं, देखते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा जाता है। तो और वीडियोस ऐसी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा वीडियो की कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू।